हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि बाउंसिंग बॉल का प्रोग्राम कैसे बनाया जा सकता है। ध्यान रहे, इस बाउंसिंग बॉल के प्रोग्राम में हम जो है वो स्क्रीन के बॉर्डर्स से बॉल को जो है वो डाइवर्ट करेंगे, जैसे कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है किसी भी प्लेन सर्विस से। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो ग्राफिक्स को ऑन करना होगा। अपने सिस्टम के हिसाब से आप जो है इनिट ग्राफ में कंडीशंस को लगाकर आप अपनी ग्राफिक्स को ऑन कर लें, और उसके बाद जो है जो हम कोड अब डालने जा रहे हैं इसको जो है आप इस्तेमाल करें। तो देखें, मैंने सबसे पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है वेरिएबल लिए हैं, जो कि सेंटर ऑफ द पाई स्लाइस जो होगा उसको डिपिक्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या करना चाहूंगा कि जब हम कोई भी बॉल ड्रॉ करेंगे तो वो पाई स्लाइस से सर्कल ना होकर के हम सर्कल का हिस्सा ले रहे हैं, पर वो सर्कल का हिस्सा भी पूरा ही ले रहे हैं, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक का हिस्सा लेंगे, और उसकी रेडियस मैंने 5 ले ली है। तो इसका फायदा ये होने वाला है कि आपका पाई स्लाइस जो है वो सर्कल जो है भरा हुआ दिखेगा, मतलब कि आपकी बॉल जो है वो भरी हुई फिल हुई पड़ी दिखाई देगी। और इसको करने के लिए फिलिंग वाला जो स्टेटमेंट है मैं वो ऊपर की तरफ लेकर आ रहा हूं। तो मैंने क्या करा है, सेट कलर अभी येलो करा है और सेट फिल स्टाइल भी सॉलिड और येलो रखा है। तो मैं जो बॉल बनाऊंगा वो येलो कलर की नजर आने वाली है। तो अब हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, एक्स इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 1 और वाई इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 1, का मतलब है एक्स और वाई दोनों बढ़ रहे हैं। अब कितने बढ़ रहे हैं तो उसको जांचने के लिए हमने दो वेरिएबल्स और दिए हैं, एक्स चेंज और वाई चेंज, और इनमें इंक्रीमेंट जो रखा है वो 3 यूनिट्स का रखा है। ध्यान रखें कि अब हम इन वैल्यूज को बढ़ाएंगे या घटाएंगे ये हम कंडीशंस में चेक करेंगे, वहां जाकर हम डालेंगे। अब बॉल को बाउंस कराते रहने के लिए मैंने एक व्हाइल कंडीशन का सहारा लिया है, जब तक आप कीबोर्ड हिट नहीं करेंगे। ये फंक्शन जो केबी हिट है ये कह रहा है जब तक कीबोर्ड हिट नहीं होगा, नॉट लगाया है, तो तब तक ये काम चलता रहना चाहिए। तो हमारा सिस्टम जो है वो यूजर इनपुट को फील करता रहेगा, यदि कीबोर्ड से कोई की हिट हुई तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिए, पहले फॉर लूप से आपको क्लियर होगा कि जो व्हाइल जो हमारा फॉर लूप है वो ये कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों को आप बढ़ाते चले जाएं, मतलब कि जो पाई स्लाइस है, मतलब आपकी जो बॉल है वो आगे और नीचे की तरफ तब तक चलती जाएगी जब तक आप निचले बॉर्डर तक टच ना हो जाएं। और ये टच ना हो जाएं की कंडीशन जो है वो हमने यहाँ पर चेक करी है, क्योंकि वाई वैल्यू से 5 कम लिया है मैंने, क्योंकि रेडियस 5 ली है हमने बॉल की। तो जब तक y वैल्यू लेस देन है गेट मैक्स y से, तब तक हम बॉल को नीचे की तरफ गिरते देना चाहते हैं। और जब ऐसा होगा तो हम बॉल को प्लॉट कर रहे हैं पाई स्लाइस से और रेक्टेंगुलर बॉर्डर जो है वो बना रहे हैं स्क्रीन का, ताकि हमें स्क्रीन भी नजर आती रहे। बॉल बनने और रेक्टेंगल बनने के बाद 5 मिलीसेकंड का मैंने डिले लगाया है, आप इसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं। और उसके बाद मैंने अपने स्क्रीन को क्लियर कर दिया है यूजिंग द क्लियर डिवाइस फंक्शन। तो इस प्रकार बॉल तब तक नीचे गिरती रहेगी जब तक निचले बॉर्डर तक टच ना हो जाए। इस प्रकार अब देखें, यदि ये काम खत्म कर लिया तो अब हमारी बॉल जो है वो ऊपर की तरफ राइज करेगी और राइट साइड पे मूव कर दी है। तो इसका मतलब हुआ मैं जो है जो कंडीशंस लगा रहा हूँ, जो मैं इंक्रीमेंट्स लगा रहा हूँ, वो यहाँ पर एक्स को बढ़ाऊंगा और वाई को घटाता चला जाऊंगा, क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ राइज कर रही है। ये राइज तब तक करती रहेगी जब तक राइट बॉर्डर तक टच ना हो जाए, और राइट बॉर्डर पर एक्स की वैल्यू जो है वो मैक्स एक्स तक पहुंच सकती थी, पर हम बॉल को देखते रहना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने एक्स माइनस 5 लिया है कि बॉल दिखती भी रहे के टच हो गई या नहीं। तो बॉल जो है वो जब 5 कम से भी टच हो रही होगी तो हम इस लूप से बाहर आना चाहते हैं, पर उस दौरान आपको बॉल ड्रॉ करनी है और बॉर्डर भी ड्रॉ करना है। 5 मिलीसेकंड डिले के बाद फिर से ये काम मिटा देना चाहते हैं। अब देखिए, तीसरा लूप जो है वो तब है जब आप राइट वाले बॉर्डर से टच करके बॉल ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ आ रही होगी।
जब ऐसा हो रहा होगा तो कंडीशन जो लगेगी वो यही है कि अब आप जो है ऊपर वाले बॉर्डर तक टच होंगे, और ऊपर वाला बॉर्डर टच हुआ या नहीं ये वाई माइनस फाइव जब तक बड़ा है जीरो से इससे चलता रहेगा, और इस केस में एक्स जो है वो कम होगा और वाई भी जो है वो कम होता चला जाएगा, तो मैंने इसलिए माइनस लिए हैं दोनों जगह पर। आगे फिर से वही है कि बॉल ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, डिले लगाने के बाद उसको मिटा देंगे। आखिरी जो हमारा बॉर्डर है जो कि लेफ्ट बॉर्डर होगा हमारी स्क्रीन का, उसके लिए हमने ये कंडीशंस तैयार की हैं। अब आप देखें जब मैं कंट्रोल F9 करके इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो ये बॉल जो है हमारी खूबसूरती से रिफ्लेक्ट होती हुई, बाउंस होती हुई नजर आ रही है। आशा करता हूं आपको प्रोग्राम सही से समझ आ गया होगा। यदि कोई आपके क्वेश्चंस हैं या आप इसमें और अपडेशंस चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में इसको मेंशन करें। आप अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।